अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है हमारी कंपनी पे इतना इत्माद और भरोसा करते, और इंशाल्लाह ताला कभी भी किसी का इत्माद और भरोसा हम तोड़ेंगे नहीं। जो भी डीलर आता है उनको हम वही इज्जत देते और वो भी हमसे प्यार करते, हम भी उनसे प्यार करते। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रियल इस्टेट डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत सब हमारे दोस्तों ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, और माशाल्लाह से आज इवेंट बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, और सारे एजेंट, रियल इस्टेट एजेंट को सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश से ये इवेंट को कामयाब बनाया। डी मेमन के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि डी मेमन अली गोडेल, तो अली गोडेल भाई आज जिस वे में जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह है ना सैटेलाइट पे होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंटों का हमारे पे ट्रस्ट है, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि क्लाइंट इतना ट्रस्ट करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में हमारी तरफ आए, हमारे से बुकिंग करी नई लॉन्चिंग में, उन्होंने इवेंट में हमारे साथ बिल्कुल साथ साथ रहे, उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और ये है कि हमने इस इवेंट के लिए भरपूर मेहनत करी कि हमारे क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई हमारे भाई हैं, हर जगह जहाँ हमारे इवेंट होते हैं हमारे साथ साथ रहते हैं, इंशाल्लाह इनके साथ भाइयों वाला रिश्ता और आगे भी चलता रहेगा। जावेद ओके, अनवर ओके, मंसूर ओके और इनके जो बच्चे हैं इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह ताला इनको तरक्की की मंजिलों पे जिस तरीके से बढ़ा रहा है, अल्लाह नजर बस से बचाए और इनको और कामयाब करे। इसी तरीके से मेहनत कर रहा है, 4-5 साल इन्हें मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ा रहा है, एक इदारा बना रहा है, तो हमारी दुआएँ हैं और बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है और मेमनों में नाम कर रहा है। और अभी तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा इवेंट नहीं है, चाहे शादी का हो चाहे किसी चीज़ का हो, जिसमें मेमन टीवी नहीं हो, तो माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ेगा बहुत। ओके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा अच्छा नाम है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं पूरे शहर में, मुख्तलिफ डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, और काम के साथ साथ ये है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवरीज भी है जो वो काम करते हैं कि डिलीवर भी करते हैं अपने प्रोडक्ट को। खुसूसन कराची में जितने आबाद से मुंसलिक और गैर मुंसलिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस वक्त काम कर रहे हैं उनमें ओके स्टेट एंड बिल्डर टॉप 5 में शुमार किया जाता है, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, इनकी नेक नियती और ईमानदारी के साथ टाइमली डिलीवरी। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी कंपनी अमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। जावेद भाई, अनवर भाई, मंसूर भाई हमारे भाई हैं तीनों, उनको और सवेरा एंड ओके स्टेट एंड बिल्डर की पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूं कि इतने रिसेशन के ज़माने में इतना खूबसूरत प्रोग्राम और जितना ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है यहां पर लोगों का और इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, इससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ओके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं वो उनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है। देखें दी मेमन टीवी जो है वो मेमनों का जियो टीवी है, और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी काविश की है, और अली जो है मैं समझता हूं कि अकेले ने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया है, और मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए और इससे बहुत अच्छा काम ले और कम्युनिटी की भलाई का वो काम करे।
पहले तो मैं माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जावेद ओके साहब को, अनवर ओके साहब को, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तकरीब सजाई है और दो प्रोजेक्ट्स की आज, एक की तो बैलेटिंग है यहाँ पे और एक प्रोजेक्ट के जो मॉल है उसकी इनॉग्रेशन थी। मेमन टीवी ने अपनी पहचान बनाई है तो इस वक्त माशाल्लाह अली गोडल साहब ने जिस तजूस के साथ काम किया है अपने ब्रांड को मेमन टीवी को उजागर किया है और मेमन टीवी ने एक अपनी पहचान इस दफ़ा ख़ुद बनाई है। तो अब अच्छे अच्छे जो बिज़नेस कम्युनिटी के स्पेशली मेमन कम्युनिटी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये हो नहीं सकता कि मेमन टीवी के बगैर वो इवेंट ही चले। आजकल लोग चाहते हैं कि मेमन टीवी हो ऑन बोर्ड, क्योंकि जो मेमन कम्युनिटी के अंदर जो आवाज़ पहुंचाती है मेमन टीवी, वो इस वक्त और कोई ऐसा चैनल नहीं है मेमन कम्युनिटी के पास या बिज़नेस कम्युनिटी के पास जो उसको पहुंचा सके। सबसे पहले तो जावेद भाई और अनवर भाई ओके स्टेट बिल्डर्स का नाम ही बहुत है और मेयार भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है और जहाँ पे ये काम करते हैं उस एरिया की वैसे ही वर्थ बढ़ जाती है। अली भाई का तो मैं ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और जितनी तरक्की इन्होंने की है इंडिपेंडेंटली, इतना तो मैंने किसी को देखा नहीं है कराची में या ख़ासकर पाकिस्तान में कि जो इस लेवल पे इतना आगे निकल जाए और इतनी रिस्पेक्ट हो उसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ख़ुद भी इंसान बहुत अच्छे हैं अली भाई। बाकी इंशाल्लाह आज का इवेंट इतना ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है तो बाकी माल इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी सारा सेल आउट हो ही जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह इनकी हर बिल्डिंगों में ऑन चलता है इसी तरह इंशाल्लाह कमर्शियल का भी इंशाल्लाह रिस्पांस इनका 100% होगा। दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आके मैंने देखा कि पूरा कराची यहाँ मौजूद है तो थैंक्स वंस अगेन जावेद ओके और थैंक्स वंस अगेन अली गोडिल जो माशाल्लाह हर जगह कवरेज करते हैं, आप लोग बहुत थैंक यू सो मच दी मेमन टीवी। फाइव स्टार टावर बस सवेरा की जो आज लॉन्चिंग है वो शॉप्स की लॉन्चिंग है और अपार्टमेंट्स तो काफ़ी पहले बुक हो चुके थे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्लाइंट्स का और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी कुछ माल मिल जाए, यहाँ पे तकरीबन दो बुक हो चुका है। जिस तरह से ओके बिल्डर ने यह लॉन्चिंग करी है और जिस तरह का ये एरिया है तो हम चाहेंगे कि एक फ्यूचर के हिसाब से हमने एक प्लानिंग करी है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है ये, माशाल्लाह इनके सारे प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं और सवेरा फाइव टावर में भी हम काम करें और सवेरा ग्रीन्स में भी हमने काम करा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कमिटमेंट पे काम अपना करके देते हैं पूरा माशाल्लाह। और ओके स्टेट तो ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एंड अगेन ये जो है वो आप यूँ समझ लें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पायनियर है और हम समझते हैं कि इतना ह्यूज प्रोजेक्ट जो है ये ओके स्टेट एंड बिल्डर जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं जब यहाँ आया और मैंने देखा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और पुरवकार तकरीब थी और यहाँ लोग बहुत मुतमईन हैं जावेद ओके साहब से। अली भाई तो माशाल्लाह हर दिल अजीज आदमी है और मेमन के इंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं ये बड़ी काबिश है मेमन। मैं समझता हूँ कि कराची में इसने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, अल्लाह इसे खुश रखे। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं देखता हूँ कि ये हर इवेंट में जो है ना ये खुद मौजूद होता है और बहुत अच्छा जो है ये तकरीब को सजाता भी है, बताता भी है, दिखाता भी है। अनवर ओके साहब, जावेद ओके साहब, मंसूर ओके साहब मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और पूरी दुनिया ने देखा है कि उनकी चीज़ एक दिन में बिक जाती है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ने उन्हें उनकी इज्जत दी है, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। अली गोडल तो मेरा बचपन का दोस्त समझ दो, मैंने उसको स्ट्रगल करते एक ज़माना हो जाए, मैं वाहिद आदमी था जिसको मैं मना करता था ये काम नहीं कर, लेकिन उसने करके दिखाया। मैं उसका कहता था यार जितनी वो एफर्ट्स करता है कहीं और जगह एफर्ट करता तो कहाँ से कहाँ चला जाता, लेकिन उस बंदे ने न होनी को होनी करके दिखा दिया और आज देखो पूरी दुनिया में उसका नाम है। क्या उसका नाम है तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने गलत साबित किया और वो वाकई वो साबित कदम रहा। वो बस इनको मुबारकबाद ही दूंगा इंशाल्लाह, इसलिए कि काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल में कराची में बहुत अच्छा काम करने वालों में से एक हैं। कि मैं अली गोडिल को भी मुबारकबाद दूंगा और मुझे लगता है मैंने इनको थोड़ी देर पहले ही बोला कि मुझे लगता है कि डिजिटल पे भी आप थोड़े दिनों में इंशाल्लाह आ जाओगे। जिस तरह का आप मेहनत कर रहे हो और जिस तरह की बहुत शॉर्ट टाइम में जिस तरह ने कि आपने
अपनी प्रोजेक्शन दिखाई है और एक बहुत अच्छा है, मतलब माशाल्लाह मैं मुबारकबाद दूंगा। और रिनोन्ड बिल्डर्स हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, रिलायबल लोग हैं एंड गुड पीपल एंड दे डिलीवर देयर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अली में तीन बड़ी खूबियाँ हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट्स, और किसी भी सक्सेस के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं कहूँगा कि अली ने बड़ी एफर्ट्स की हैं और कंसिस्टेंसी के साथ की हैं, तो वो सारी एफर्ट्स और उसकी कंसिस्टेंसी ना आज जो ये एक शाइनिंग स्टार बनता जा रहा है, तो वो ये शाइनिंग स्टार बना है। आई रियली प्रे फॉर हिम कि अल्लाह इसे और तरक्की दे, कामयाबी दे, और बहुत जल्द मैं इसको जो है ना ये सैटेलाइट चैनल पे आए अब, बल्कि अब इसको ये एफर्ट्स करें उसके लिए, ताकि हम देखें कि जो है ना अली जो है वो सैटेलाइट चैनल वाला भी अब हो गया, तो नेक्स्ट इंटरव्यू जो इसका हम दें सैटेलाइट चैनल पे दें। जी मेमन जी भी माशाल्लाह बहुत मेहनती है और अल्लाह पाक मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाके और तरक्की करेगा, और माशाल्लाह इनसे अली गोदर से बड़ा प्यार करते मेमन लोग और ज़्यादातर इनको चाहते हैं अली मेमन को, और माशाल्लाह बड़े मेहनती भी है और हर इवन में ये माशाल्लाह अपना पसीना बहा देता है और बड़ी मेहनत करता है।